सुप्रभात मान्यवर। आज यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है जलातीबोर में और आज हमें निकलना है मोगरा गोरा के लिए, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, नेचर का एक नज़ारा देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसी बर्फबारी में हमें आगे निकलना है और हमें ये नहीं पता कि यहाँ से बस जाती है कितने बजे जाती है, क्योंकि इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश की, कोई ख़बर नहीं। फिर हमने कोशिश की कि ओनर से पूछें, उनको भी बस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड जाके आप एक बार पता कर लीजिए, चलती हैं स्नोफॉल में बसें या नहीं चलती है ये भी नहीं पता, क्योंकि खास करके हमारे हिमाचल में जब स्नोफॉल होता है तो उस समय बसेस वगैरह बंद हो जाती हैं, रोड बंद हो जाते हैं, फिसलन हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल हमें आगे निकलना है, ऐसी ही बर्फबारी में हम लोग निकलेंगे। और ये भाई साहब आए हैं अपार्टमेंट को साफ़ करने के लिए, सुबह से बेचारे बाहर खड़े हैं, हम थोड़ा लेट हो गए और ऊपर के फ्लोर पे भी कोई गेस्ट आए हैं आज। यहाँ पे लोगों को जैसे ही पता चला कि स्नोफॉल हो रही है तो सारे लोग आ गए, लेकिन फ़िलहाल हमारे सामने का जो नज़ारा है वो सच में बेहद खूबसूरत है। एक समस्या है कि मेरे पास जूते जो हैं वो बर्फ़ में चलने के बिल्कुल भी नहीं है, वो वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अभ्यास है बर्फ़ में चलने का, क्योंकि मेरा जन्म ही बर्फ़ के बीच में हुआ है। यूरोप की गलियों में इस तरह से बर्फ़ में जाने का मुझे कभी मौका नहीं मिलता। फ़िलहाल इसको एंजॉय किया जाए। अभी हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल यहाँ से बस स्टैंड, फिर ढूंढते हैं कि क्या हमें मिलती है बस। अगर हमें बस मिलेगी तो फिर हम निकलेंगे मोगरा गोरा, अगर नहीं मिलेगी तो आज का जो एडवेंचर है वो हमारा जलातीबोर में ही होगा। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक बात है यहाँ पे, मैंने एक चीज़ नोट की है, सुबह स्नोफॉल शुरू हुआ और आप देखेंगे यहाँ पर गलियों में स्नो कटर मशीन्स भी आई हुई हैं और उन्होंने रोड को साफ़ किया है। यानी कि रशिया में भी मैंने देखा था, वो सारे दिन भर चलती रहती हैं और स्नो को साफ़ करती रहती हैं, स्नो गिरती रहती है। आप देखिए ये उन्होंने साफ़ कर दिया सुबह सुबह ही। इस मामले में ये भारत से बहुत ही आगे हैं। मतलब आप सोचिएगा, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, इतनी जल्दी तो वहाँ पे भी मशीन्स नहीं आती हैं। और जलातीबोर तो कोई बड़ा शहर भी नहीं है, एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी यहाँ गलियों में, ये मेन रोड की बात नहीं हो रही, गलियों में ये मशीन घूम रही है। और बस स्टॉप पे एक बस खड़ी दिख रही है मुझे, और मुझे लगता है कि ये वाली जो बस है ये मोगरा गोरा जा रही होगी और हमारे अपार्टमेंट के ठीक बाहर रुकेगी और अंदर से मालिक आएंगे, बोलेंगे आओ आओ जल्दी जल्दी, गरम गरम कॉफ़ी बना रखी है। देखो, आपको जब मज़ा लेना है इमेजिन करने का तो पूरा मज़ा लो। हो भी सकता है भैया ऐसा, है ना? अच्छा, हो भी सकता है। लास्ट टाइम हम लोग एक्सपेक्ट थोड़ी ना किए थे कि वो आके हम लोग को ऑडी में रिसीव करने आ जाएंगे। ये हमारे साथ हुआ था उदित से में, कि हम लोग ट्रेन स्टेशन से बाहर निकले और हम अपने होस्ट का घर गूगल पे ढूंढ ही रहे थे कि चलो भैया चलते हैं, और तब तक उनका मैसेज आया कि वहीं रुको, एक नीले कलर की ऑडी आएगी आपको लेने के लिए, और 5 मिनट में सच में आ गई। चलो देखते हैं जी।
फिलहाल एक भी आदमी बस स्टैंड पे दिखाई नहीं दे रहा, तीन भारतीय घुमक्कड़ों के अलावा। बस स्टैंड और आज पूरा खाली है, और इन्होंने तो खिड़कियां भी बंद कर रखी है। ये बस आई है बेलग्रेड से, और कहाँ जा रही है ये पता नहीं। बेलग्रेड से आई है, बेलग्रेड जा रही होगी, दोनों हो सकते हैं। हाँ मतलब बेलग्रेड से आई है तो या बेलग्रेड जा रही होगी। अब तो ऑफकोर्स नहीं, वो जा रही है, उसमें सवारियाँ बैठी हुई हैं। और इस बस स्टैंड पे सिर्फ एक ही बस की कंपनी है, वो है गागा, इसी की बसें चलती है इस रीजन में। और वो वहाँ पे काउंटर भी है उनका, गागा गागा टूर जलातीबोर। अब हम उनसे पूछेंगे, भैया मोकरा गोरा जाना है, काम करते हैं हम लोग, जाके बस के लिए पूछ लेते हैं, आप टैक्सी के लिए पूछ लीजिए, दोनों देख लेते हैं कितना पड़ता है। अगर बस दो तीन घंटे में के बाद रहेगा और हम लोग अभी टैक्सी में अगर सेम प्राइस आता है या फिर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो हम लोग चले जाएं टैक्सी में। हाँ भाई यहीं पर तो है, यहीं चलो पूछते हैं पहले ये। हाँ देख लो देख लो, हम यहाँ आए, पूछ लो टैक्सी वाले को, दो तीन बंदों से पूछ लेना कि मोकरा गोरा जाना है, बताओ कितने पैसे लोगे। हेलो, इज देयर एनी बस टू मोकरा गोरा? नो No bus goes to Mokra. No bus. So can you tell us how can we go to Mokra Gora? Taxi. Only taxi? Taxi, yes. Okay, thank you. Zlatibor, Užice. Užice, Mokra Gora, yes. Zlatibor, Užice bus, then Užice, Mokra Gora. Bus, yes. Okay. Užice, Mokra Gora, bus. Bus. Bus nahi jati. अरे यहाँ ट्रेन स्टेशन 9 किलोमीटर दूर है, तो टैक्सी में ही थोड़ा उसके साथ बार्गेन कर ले क्या? हैं? उसके साथ थोड़ा बार्गेन कर लेते हैं। किससे? टैक्सी वाले से। टैक्सी वाले के साथ नेगोशिएट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जाएंगे उजिस से तो 250 रुपया लेगा, फिर 750 मान के चलो, 750, फिर वहाँ से मोकरा गोरा हम लोग का हो जाएगा 60-70 किलोमीटर, तो अगर वो 400-500 ले लिया। नहीं और? एक मिनट अभी देखते हैं। हाँ 5, 3, 15, 7, 22 2000 रुपये का खर्चा आएगा हमारा मोकरा गोरा पहुँचने का। अभी फिलहाल एक बस फिर से आके खड़ी हो गई यहाँ पे, ये बस भी बेलग्रेड से आई है, बहुत छोटा सा स्टेशन है। अब समस्या ये है यहाँ से कोई डायरेक्ट बस मोकरा गोरा के लिए नहीं है, सब लोगों का यही कहना है कि आप पहले उजिस से जाइए, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। क्या हुआ पूछ लिया भैया? हाँ 3 बजे उजिस से बस जा रहा है मोकरा गोरा को। 3 बजे? हाँ। एक ही बस है क्या? एक ही बस है, और कल कोई बस नहीं है। ठीक है, कोई बस नहीं ना, आज बस जा रहा है 3 बजे उजिस से को, और उसका प्राइस 100 रुपये, और यहाँ से टैक्सी में जाएंगे तो 3000। अच्छा यहाँ से कितने बजे की बस है? यहाँ से 11 बजे के बस है जिससे के लिए। हाँ तो चलते हैं जिससे फिर। हाँ यहाँ से 200 रुपये मान के चलो। हाँ 200-600 रुपये। और वहाँ से जिससे से बस है 3 बजे। हाँ मोकरा गोरा के लिए। हाँ तो 1000 रुपये में काम हो जाएगा, 2000 रुपये बच जाएंगे हमारे। हाँ एक दिन का रेंट बच जाएगा। बच जाएगा। चलो अपना क्या जा रहा है, चलो आज फिलहाल ये जो मौसम है, ये जो सीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर जो लोग आते हैं इस समय वो देख पाते होंगे यूरोप में, क्योंकि अभी हम लोग जो हैं एक हिल स्टेशन पे है जलातीबोर, यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन डाउन में जाके स्नोफॉल नहीं हो रहा होगा। तो आप क्या बोल रहा है? टैक्सी। क्या बोला? अरे वो 800 बोल रहा था, मुझे 100 पता चला। अरे यार देखा देखा, 800-2400 वो 700-800-3200 चलो उससे अच्छा टैक्सी ले लो ना। हाँ। मैं बोल रहा हूँ 2500 में टैक्सी लेते हैं, ठीक है। वो टैक्सी 3500 बोल रहा था, ये किसी टैक्सी को फोन करके बात किया, वो 3000 बोला, ये जो मोहतरमा जो हेल्प की हमारा।
फाइनली हम लोग अब जा रहे हैं एक टैक्सी से 2700 सर्बियन दिनार से पे हमारी इनकी बात हुई। पहले 3500 से शुरू हुई, फिर हमें पता चला कि 3000 लगेंगे, तो इंटरनेट पे चेक किया कि 2700 जो है रेट है यहाँ से वहाँ का, 2700 से 3300। तो ये वहाँ पे खड़े थे तो हमने क्या किया, वो 2700 वाला इनको दिखाया कि देखो 2700 का रेट है, तो ये 3000 कह रहे थे, फिर लास्ट में ये मान गए कि ठीक है 2700 दे दीजिए। बर्फबारी में यूरोप में घूमना सच में अपने आप में ये बड़ा एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मुझे अभ्यास है बर्फ़ का और मैंने ये सब नज़ारे पहले भी देखे हुए हैं बचपन से लेके, लेकिन यूरोप के जो लैंडस्केप्स हैं उसमें सच में बहुत ज़बरदस्त हैं। और हमारे यहाँ पे तो हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हमारे यहाँ पे विंटर टायर्स जो दरअसल स्नो में यूज़ किए जाते हैं वो होते ही नहीं हैं, मिलते ही नहीं हैं, तो इतनी बर्फ़ में भी हम लोग वहाँ नहीं चल सकते। तो आज के दिन में तो खैर जैसे स्नोफॉल हो रहा है तो रोड बंद ही रहते हैं, तो कल जो पीडब्ल्यूडी वाले वो क्या करेंगे, कंक्रीट के बहुत बारीक बारीक उसके ऊपर लेयर बिछाते हैं, तब जाके हम अपनी कारें चला सकते हैं, और एक दिन के लिए पूरा ठप हो जाता है। और मुझे याद है मेरे बचपन में तो हमारे गाँव की जो रोड है वो दो दो महीने तक बंद हो जाती थी, मतलब एक आम दुनिया से हमारा जो संपर्क है पूरी तरह से कट जाता था। India. Belgrade, Užice, Zlatibor, Mokra Gora. I gde dalje? Two days here. A dva dana? Dva dana, yeah. A idete dalje tamo u Bosnije? Yes. U Bosnu onda ide? Yes. Bosnia, kilometer? 30. Okay. Višegrad, do 30 km Višegrad. Višegrad. A granica, granica 5 km, u stvari 3 km. 3 km? Granica. Okay. A Bosnia, 30. Da. 30. Višegrad. Višegrad, okay. Yeah, yeah. Okay. जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बॉर्डर के पास में सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है वहाँ से जो मेन सिटी है बोस्निया की विशेग्राद, वो सिर्फ 30 किलोमीटर है, यानी कि हम बॉर्डर एरिया में जा रहे हैं अभी। क्योंकि थोड़ी थोड़ी मैं रशियन समझता हूँ तो इनका और रशियन का जो है मेल है काफ़ी, तो समझ आ रही है बात को ये क्या कहना चाहते हैं। और फिलहाल बाहर बहुत खूबसूरत नज़ारा है, द ब्यूटीफुल सुपर सुपर सुपर, सब सुपर। ये देखिए शीशे पे बर्फ फिसलते हुए नीचे जा रही है, no train poisoned yet, Mokra Gora train ravno, yeah al gore brdo a dole ravno, okay ali isto sve ovako, uh-huh. Samo ima ravnice kao ovo ovde, tako nešto je, ali je super
जैसे यहाँ पे है, लेकिन वो बड़े छोटे छोटे हैं। लेकिन ये गांव सच में कितने खूबसूरत होंगे। यहाँ पे आज जो पेड़ हैं, ये दरअसल जैसे हमारे देवदार के पेड़ हैं हिमाचल में या उत्तराखंड में, ठीक उसी फैमिली के पेड़ हैं, लेकिन ये देवदार की तरह दिखते ज़रूर हैं लेकिन थोड़े से अलग हैं, मतलब उसी फैमिली से हैं। और ये पूरे ढके हुए हैं बर्फ़ से, सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। विंटर टायर्स का एक फ़ायदा है, मैं पहली बार किसी गाड़ी में बैठा हूँ कि जो इतनी स्पीड में चल रही है बर्फ़ में। अगर मैं ड्राइव कर रहा होता तो मुझे याद आता वो अपना शिमला वाला, जहाँ पे ज़रा सी ब्रेक मारने पे गाड़ी स्किड कर जाती है। वाओ, एकदम ज़बरदस्त सीन हो रहा है बाहर। ये देखिए नीचे गांव दिखाई दे रहे हैं, बड़े खूबसूरत। और इस जगह का नाम, अरे हम वो क्रेमना जा रहे थे ना भाई, नहीं उधर को है रास्ता, तारा नेशनल पार्क। तारा बाइना बाश्ता बोस्निया, बाइना बाश्ता ग्राद बोस्नियन ग्रानिता, बोस्निया ग्रानिता, या तारा मोकरा गोरा, मोकरा गोरा या बाइना बोस्ता ब्यूटीफुल सर्बिया, ओके बाइना बाश्ता सर्बिया, सर्बिया सुपर सुपर दा सुपर सुपर ये जाता है यहाँ से तारा, ये तारा 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 ये जाता है जी तारा नेशनल पार्क के लिए रोड। और इस ट्रेन को ये लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं। यहाँ पे दो स्पीड आपको देखने को मिलेंगी, जो बोर्ड लगे होते हैं स्पीड लिमिट के, उसमें एक में लिखा हुआ है 80, दूसरे में लिखा 60। लेकिन जो 60 वाला है उसके नीचे बर्फ़ के वो फाहे बने हुए हैं, यानी कि बर्फ़ में आप इसमें जो स्पीड लिमिट है वो 60 की है। देखने को मिली मुझे रोड के किनारे, ये दरअसल मैं कल से लेके जो है देख रहा हूँ, वो ये चीज़ है कि जो पहाड़ की साइड में ऊपर से पत्थर ना गिरे तो उसके लिए जालियाँ लगाई हुई हैं। आप देखेंगे दरअसल जालियाँ हैं कि अगर पत्थर गिरता भी है तो वो जाली के अंदर ही रहेगा, वो मतलब किसी कार पे आके गिरेगा नहीं। ये मैं कल से लेके देख रहा हूँ, ये हर रोड पे मुझे ये जालियाँ इस तरह की मिली हैं।
पहाड़ी एरिया है, वहाँ तो सोच भी नहीं सकते हम लोग कि ये सब चीज़ें हो। रोड को साफ करने के लिए मशीनें दौड़ रही हैं। सिटी सेंटर यहाँ का, सिटी सेंटर क्या ये कह सकते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो पहुंच गए जी हम लोग अपनी जगह पे। दे रहा है? क्या कर रहा? नहीं मैं दे रहा हूँ ना 27 पूरे। तो 7 ओके सो सुपर सुपर ज़्यादा वाल नहीं। थैंक यू, बाय बाय। ओके बाय बाय, थैंक यू। ड्राइवर अंकल बड़े अच्छे हैं भाई। और फिलहाल थैंक यू अंकल जी, तो पूरे ही लगे हुए हैं। अंकल जी पूरी हेल्प कर रहे हैं सबकी। थैंक यू, बाय 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 बाय। चाओ चाओ चाओ। तो फिलहाल अभी हमें जाना है वहाँ। ये है जी हमारा अपार्टमेंट। फिलहाल ले लिया, पर्स ले लिया, बैग ले लिया। तो अंकल जी फिलहाल निकल गए आगे की तरफ और हम लोग हेलो